मास्क पहन के रखिए और ये सैनिटाइजर हर 10 मिनट पे आधे घंटे पे लगाते रहिए। कि जरूर आज दुनिया इस वायरस से दुनिया परेशान हो चुकल बा, तो मेरा यही हाथ जोड़ के आप सब से विनती है कि आप लोग इस वायरस से बचें, जहाँ भी रहें सफाई बनाए रखें, साफ सुथरा माहौल बनाइए, मास्क पहन के रखिए और ये सैनिटाइजर हर 10 मिनट पे आधे घंटे पे लगाते रहिए और ये हाथ भी कम मिलावे के बाद जहाँ तक कोशिश रहे कि जे भी मिले अपना से बड़ा नमस्ते प्रणाम करिए, आशीर्वाद लीजिए। बीमारी तई परेशान गई है दिले बा, तो इससे बचना है, स्वस्थ रहिए आप लोग। सबसे पहले नमस्ते प्रणाम बा अपन भोजपुरिया जहान के, अपन भोजपुरिया संसार के, भोजपुरिया समाज के, हमारा तरफ से आज अपने ऑडियंस के ही आशीर्वाद से एक ठो नया यूट्यूब चैनल कल सवेरे 6:45 में हो रहा बा, जेकर नाम बा माँ अम्मा फिल्म्स। वो मेरा चैनल नहीं है, वो आप सब का चैनल है। आप सब इस चैनल को अपना समझ के इस चैनल से प्यार करिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। और इस चैनल से कल सवेरे 6:45 में मेरा एक गाना भी रिलीज हो रहा है, जिस गाने का नाम है शादी में ज़रूर आना। आप सब अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। और ये मेरा छोटा सा एक प्रयास ये है कि यूपी बिहार से या भोजपुरी भाषा दुनिया में जहाँ भी बोलल जाला, सुनल जाला, समझल जाला, एक से एक के लड़के गांव में हैं जो भारी टैलेंटेड हैं और वो अपने टैलेंट को दिखा नहीं पाते हैं, सुना नहीं पाते हैं। तो यही मेरा चाहना है, यही मेरा एक छोटा सा कोशिश है कि हमारे जितने भाई हैं, जितने बच्चे हैं, वो अपने टैलेंट को मतलब मेरे तक पहुंचाएं और मैं उसको कोशिश करूं कि शहर तो शहर ही है, गांव गांव के भाई बहन दोस्त हमारे सबके बीच में पहुंचे और भाइयों को बच्चों को आशीर्वाद मिले, ताकि हमारे जो भी टैलेंटेड भाई हैं गांव में छुपे हुए हैं वो बहुत बड़े स्टार बने। हर चीज़ हम ज़्यादा बोली ला भी ना, लेकिन फिर भी आप लोगन के आशीर्वाद से हम अपने माई की अम्मा कहेला। तो और मेरा जीवन में जो भी काम होता है उस पन्ने पे सबसे पहले माँ ही लिखा जाता है, इसके बाद ही कोई वर्ड उस पे आता है। तो हम अपने माई की अम्मा कहिला और अम्मा से बढ़ के दुनिया में कुछ है नहीं मेरे लिए, इसलिए यही वजह है कि इस चैनल का नाम है माँ अम्मा फिल्म्स। हाँ जी, कहीं ना कहीं सर आप यूथ को जो जनरेशन है न्यू, वो अपने पेरेंट्स से बहुत दूर होती चली जा रही है, तो कहीं ना कहीं आप एक मैसेज भी दे रहे हैं इस तरह की शुरुआत करके अपने फैंस को और जितने भी आपके चाहने वाले हैं कि वो पेरेंट्स की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें। ये आप आइडियल भी हैं, ये आप सबका आशीर्वाद है, आप सबका दुलार है, आप सबका प्यार है। जिस बच्चे पे माँ का आशीर्वाद हो, पिता का आशीर्वाद हो, गुरु का आशीर्वाद हो, भगवान का आशीर्वाद हो, वो बच्चा दुनिया में कुछ ना कुछ बनता ही बनता है, उसको बनना ही है। माता पिता के आशीर्वाद जीवन में बहुत ज़रूरी होला, क्योंकि उससे बड़ा आशीर्वाद दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। मेरा चैनल ओपन हो रहा है या दुनिया में मैं कोई भी काम करता हूँ तो माँ से ही शुरुआत होता है, तो इस चैनल का भी शुरुआत माँ अम्मा फिल्म्स के नाम से है। हमरे माई के आशीर्वाद व और जितना हमार माई बाड़ी जा भोजपुरी दुनिया में, सबके आशीर्वाद चाहिए।
आप सबके प्रणाम बा। और ये भी सबके लिए मैं यही चाहूँगा कि सब कोई अपने माँ बाप से प्यार करे, माँ बाप का आशीर्वाद ले कोई भी काम करने से पहले, और जीवन में बहुत आगे बढ़े। इस बैनर से और क्या क्या होने वाला है? इस बैनर से शुरुआत तो मेरे ही गाने से हो रहा है। आगे मैंने पीछे बोला ही कि बस ये छोटा सा प्रयास है कि हमारे गांव-गांव में जितने टैलेंटेड बच्चे हैं वो पहुंच नहीं पाते हैं मुंबई या दिल्ली या कोई कोई मतलब झूठा दिलासा दे के बोलता है कि आपके हम आई बना दे, आप ये करिए तो वो लगाइए ये लगाइए, तो ये सब होता है ना। तो नए नए सिंगर जो बच्चे हैं वो उनका दिल टूटता है। तो बेटा जीवन में कभी हार नहीं मानने का, संघर्ष ही जीवन है। आज से अभी से शुरू करिए मेहनत अपना। और मैं बिहार में एक स्टूडियो भी खोल रहा हूँ, बस 10 से 12 दिन में ओपन हो जाएगा आरा शहर में। करीब करीब गांव के जो भी मेन शहर बा स्टूडियो तो खुल ही रहा है। तो आप लोग बढ़िया से काम करिए, अच्छा अच्छा काम करिए, मेरे चैनल तक पहुंचाइए। और उसको मेरा काम है कि वो गाना आप सबके बीच में जाए और आप लोग नाम कमाइए, खूब आगे बढ़िए। सर, जैसे बच्चों ने गाना बनाया उसके बाद में आप तक पहुंचाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? मेल आईडी कुछ ऐसी चीज़ें फिर भी आप तक नहीं पहुँच पाएंगे? बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत दूर हैं, वो आना चाहते हैं और आप तक पहुंचना चाहते हैं, तो उनके लिए आजकल तब डिजिटल दुनिया हो गई बा, नेट का जमाना है, कहीं से भी नेट का जमाना है, तो आप कहीं से भी गाना मेरे पास भेज सकते हैं। जो मेरा चैनल ओपन हो रहा है उस पे दिया जाएगा क्या मेरा मेल आईडी है, वो सब रखेंगे ना आप लोग, वो सब फुल इन्फॉर्मेशन रहेगा। हाँ, काम अच्छा लगे के चाहिए, ये नहीं कि बस मैंने भेज दिया हो गया, नहीं बेटा, मेहनत करिए, साफ सुथरा काम करिए, घर परिवार के साथ बैठ के हम लोग अपना काम देखें और सुने, यही मेरा कामना है। आप लोग आगे बढ़ें,